सो गाइस वेलकम बैक। क्या बैक क्या भाई, मैं इधर सातवां आठवां वीडियो अपलोड बना के रख रहा हूँ। ये मेरा नॉर्मली अभी फ़ोन है, आप जैसे कि देख सकते हो 1.8 1.9 GB रैम ओपन है मेरे लिए है। तो आप नहीं, इसमें मैं अभी आपको डेवलपर्स ऑप्शन के बारे में नहीं बताना चाहता। अगर अभी डेवलपर ऑप्शन के लिए बारे में जानना है तो भाई लाइकेम है 35 ये कंप्लीट करवा दोगे तो मैं आपको डेवलपर ऑप्शन में सब बताऊंगा कि भाई कैसे करते हैं। भाई स्पीड टेस्ट के ऐप्स हमेशा रखता हूं ताकि स्पीड आपकी कभी भी डाउन ना हो। फिर बाकी तो भाई मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूं, आप ब्लूटूथ यूज़ ना करो। ब्लूटूथ से होता क्या है एक्चुअली, ब्लूटूथ में मतलब होता है ये कि जो आप ट्रांसमिट स्पीड रहती है, मतलब अगर आपको समझे MP40 चला रहे हो तो एक बार चला के देखना ब्लूटूथ से, और बाद में वही वायर से भाई आपको आवाज़ बैकग्राउंड में आए। तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, बारिश है फिर आजू बाजू इधर कोई टीवी देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकता अब। तो मैं इसमें यही बताना चाहता हूँ, स्टोरेज आप मोस्टली आपकी फालतू की खाली रखो, लोकेशन ऑन रखिए, गेमिंग पर सबसे कम अवॉइड करो। मेरा फ़ोन इतना कैपेबल है कि मैं फ़ोन में बिल्कुल भी लोकेशन ऑन नहीं रखता मोस्टली, क्योंकि भले बैटरी आपकी 7000 mAh हो 6000 mAh हो तो बहुत बड़ी बात रहा है। उसके लिए भी मैं बोल रहा हूँ एरोप्लेन मोड हमेशा मत रखो भाई, मैंने तो अभी रखा है ताकि कोई नोटिफिकेशन से डिस्टर्बेंस ना हो। ऑटो रोटेट आप रख सकते हो, आपके ऊपर है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में एक और चीज़ बताऊँगा भाई, आई कम्फर्ट रखो ताकि आपकी आँख को पता है मम्मी पापा हमेशा बोलते हैं भाई आँख खराब हो जाएगी, तो उसी के लिए मैंने ये आई कम्फर्ट रखा। इसके बाद मेरी स्क्रीन एकदम ब्लू लाइट वाली बन जाएगी, जो आपकी मोस्टली टीवी की स्क्रीन रहती है, LCD स्क्रीन हो या AMOLED स्क्रीन हो, दोनों ही स्क्रीन के लिए मैं बोल रहा हूँ आई कम्फर्ट रखो ताकि आपकी आँख का नंबर ना बढ़े भाई, बाद में बोलेंगे कि रीना की वजह से। पावर सेविंग मोड अवॉइड करो खेलते वक्त, मैं भी नहीं लगा यूज़ करता, देखा होगा आपने, आपको भाई बाद में पता ही है भाई। म्यूट नोटिफिकेशन से वन ऑफ द बेस्ट फीचर है, इससे आप DND मत करो, म्यूट नोटिफिकेशन करना। DND में अगर आप किसी के मम्मी के फ़ोन में किसी के फ़ोन में खेलो तो बिल्डे पड़ेंगे आपको। म्यूट नोटिफिकेशन मतलब आपके नोटिफिकेशन का आवाज़ नहीं आएगा, साउंड नहीं आएगा। स्क्रीन लॉक ऑप्शन नियर बाई शेयर, वो सब मैं आपको कुछ बताने नहीं वाला भाई, आप लॉक तो भाई कुछ मैं वैसा सब बताने नहीं वाला। अब सीधा आपके नेक्स्ट टॉपिक पर चलने की कोशिश करता हूँ, मैं अभी आपको सेटिंग में जाके दिखाऊंगा क्या होने वाला है आज के वीडियो में मेनली। सो गाइस मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आ चुका हूँ, रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हो सिस्टम साउंड ये सब है भाई, स्लाइडर रिकॉर्डिंग भाई मैंने बहुत सारे ऑप्शन ऑन रखे, अभी जस्ट चालू है इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता कैसे ये वर्क करते हैं। 1080p 16 MBPS जो कि मेरे फ़ोन में हाईएस्ट रिजोल्यूशन है, अबाउट 2K से थोड़ा कम बोल सकते, फ्रेम रेट हमेशा हाई रखो या मतलब ऑप्टिमाइज रखो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो कॉलिंग फॉर्मेट फॉर द कंप्लीट, वो तो भाई आपके लिए ऊपर है। फ्रंट कैमरा भाई अगर फेस रिवर लेकर रहता है आप रख सकते हो भाई, बाद में तो बहुत सारी सेटिंग भरी पड़ी है, मैं अभी आपको हर एक धीरे धीरे करके बताने वाला हूँ। मैं डायरेक्ट आपको वही सेटिंग के लेकर चलता हूँ, अरे हट। तो गाइस मैं अभी आ चुका हूँ वाइब्रेशन एंड हैप्टिक के ऊपर। तो मैं मेरे फ़ोन में मतलब मोस्टली आजकल के न्यू फोन में आता है कि वाइब्रेशन एक आपको सेटअप करना पड़ता है कि स्ट्रेंथ कैसे चाहिए, फिर लार्ज माउस पॉइंटर उसके बारे में मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर शॉर्टकट फॉर लॉक स्क्रीन है, डबल टच करके मैं बंद कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें भाई। टच एंड डीले मतलब आप टच करते हो तो फिर कितना डीले देता है, मैंने हाई रखा है मतलब शॉर्ट रखा है, मतलब हाई मतलब वही बोल रहा था कि कम रखा है ताकि मेरे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर मैं अभी आपको थोड़ा बहुत साउंड एम्पलीफायर्स के बारे में बताने वाला हूँ, साउंड एम्पलीफायर है क्या एक्चुअली में, ये देखो कलर इन्वर्जन के बारे में अभी आपको कुछ नहीं बताने वाला, टॉक बैक वो सब चीज़ें नहीं बताने वाला, कलर करेक्शन भी नहीं बताने वाला, मैं अभी आपको फालतू चीज़ें नहीं बताने वाला, एक ये चीज़ बता देता हूँ। साउंड एम्पलीफायर में भाई किधर जाने कैसे जाऊँ, अरे भाई हाँ साउंड एम्पलीफायर का कुछ तो है, मोनो ऑडियो ऑडियो चैनल्स क्या है क्या मालूम। देखो मैं अभी साउंड एम्पलीफायर में चला गया हूँ, साउंड मेरा कैसा है, फाइन ट्यूनिंग, बूस्ट, ईयर पैरिटी, ईयर सेपरेटली मतलब राइट और लेफ्ट के बारे में अलग अलग तरीके से आपको इसमें आपका साउंड गेम साउंड भी आप कर सकते हो। स्ट्रेंथ ऑफ नॉइस रिडक्शन मतलब आजू बाजू से नॉइस कैसे रिडक्ट करनी है वो अपने हिसाब से साउंड एम्पलीफायर आपको बहुत मदद कर सकता है। फिर अभी भाई अब मैं देख रहा हूँ साउंड एम्पलीफायर वर्क्स विथ
वायर्ड ईयरफोन मैंने, ये अच्छा है भाई मेरे लिए क्योंकि मैंने अच्छे से ब्लूटूथ में से ऑफ कर डाला है। ये एक साउंड एम्पलीफायर का एक मेरे में फीचर है भाई, मोस्टली फ़ोन्स में आजकल आता है भाई, 99% फ़ोन्स में आता है वाइब्रेशन हैप्टिक्स बार में मैं आपको बताने वाला हूँ। और अभी आगे के न्यू एक और टॉपिक चलते हैं, इसमें आ जाऊँगा मैं। अभी यही सब कंटिन्यू है भाई, साउंड एंड वाइब्रेशन, मीडिया रेंजिंग, ये इधर के रहते हैं। अरे भाई भाई, रियल साउंड टेक्नोलॉजी, आपको स्मार्ट साउंड देखना, रियल एचडी साउंड को डेवलप बाय रियलमी, भाई ये रियलमी के द्वारा बनाया गया है। मूवी आप मैंने स्मार्ट पर रखा है, जो कि मैं जो भी म्यूज़िक सुनता हूँ, मूवीज़ तो देखता ही नहीं मैं, म्यूज़िक कभी तो मैं सुन लेता हूँ, और कभी कभी गेम तो अपना रोज का है, गेम्स के लिए मेनली बनाया गया है। मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें, अदर सेटिंग में भी आप जाके डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डर, आप रिकॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं, इन ईयर मॉनिटरिंग भाई आपके ईयर्स के बारे में, वो बहुत कुछ है भाई। आपको फ़ोन्स हमेशा भाई चाहिए भाई, क्या करो हमें भाई, आपको ऐसे और फीचर्स देखने हैं तो भाई पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। मैं अभी आगे एक और बहुत सारे फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट में आ चुका हूँ, मेरा भी इंटरनेट कनेक्शन ऑफ रखा है, मतलब भाई आप इंटरनेट कनेक्ट कर डालोगे तब अपडेट्स हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए। फिर मैं अभी आपको एडिशनल सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ आपको भाई, लोकेशन वोकेशन नहीं पता चलनी चाहिए आप मेरी है ये, मतलब आप इसमें पूरा ये सब आप थोड़ा बहुत देखोगे, डेवलपर ऑप्शंस है इसमें, आप इससे आपका मतलब मैंने बोला था मैं इसको यूज़ नहीं करने वाला, बस दिखा रहा हूँ ये डेवलपर ऑप्शंस है क्या एक्चुअली। ये देखो भाई, ये ऐप कौन से ऐप क्या यूज़ करते हैं, कौन सा ऐप फालतू में यूज़ करता है, आप उसको बंद कर सकते हो भाई आपके हिसाब से, आपकी मर्ज़ी है। फिर गाइस ये पूरा आपको दिखा देता है भाई कैसे करना है, आपको बाद में मर्ज़ी है भाई। डेवलपर ऑप्शंस के लिए बहुत सारे वीडियोज़ है चाहिए तो फिर भाई मेरे को भाई क्या बोलूँ, एक्सेसिबिलिटीज़ बहुत सारी रहती है। देखो मैं अभी जिसमें आया था वही एक्सेसिबिलिटीज़ थी, तो गाइस अभी और भी है, पूरा वीडियो एंड तक देख लेना गेमिंग एनहेंसमेंट करने के लिए, तभी आगे भी देख लेंगे भाई। मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, स्टोरेज जो भी रहता है, अब धीरे क्लीनर्स नहीं रहते, मेरे फ़ोन में क्लीनर नहीं है, तो फिर आप स्टोरेज में जाके स्टोरेज जो भी रहता है एक्स्ट्रा, आप उसमें से ईजीली डिलीट कर सकते हो ईजीली है भाई। वहाँ पे जाओ, ऐप्स में जाओ और क्लियर किए के नाम का ऑप्शन आ ही जाता है, उसको क्लिक करते जाओ जब तक आप कर सकते हो, मतलब जितने भी फालतू के ऐप्स हैं, और हो सके तो फालतू के ऐप्स डिलीट ही रखो भाई, मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता भाई। ये देखो भैया, और अगर आपकी ब्राइटनेस मतलब बचाना है ना, तो फिर आपको पूरा ब्लैक वॉलपेपर रख दो, ताकि अगर एमोलेड है तो फिर तो बहुत ही काम आएगा, और अगर LCD होगा तो भी थोड़ा बहुत वर्क करा लेगा, ताकि आपकी बैटरी कम यूज़ हो। मैं अभी और भी आपको बहुत सारे फीचर्स बता देता हूँ, ये ऑटो ब्राइटनेस आप है ना, हो सके तो यूज़ मत करो। अब मैं आपको मेरे गेम स्पेस में लेके जाता हूँ, जिसमें मेरे गेम्स के सब मतलब वो रहता है, जो कि आजकल हर एक फ़ोन में गेम के लिए एक स्पेशल मोड आ जाता है, तो चलिए उस चीज़ें उसमें। सो गाइस, जो कि मेरे गेम स्पेस में भाई, मेरे में अभी नेटवर्क नहीं दिखाएगा। GPU स्ट्रेंथ मेरे में ना हमेशा, मैंने कभी GPU का रेंडरिंग ऑन नहीं किया, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरे देखो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ ऑटोमेटिकली एडजस्ट रिजोल्यूशन टू सेव पावर, मतलब आपको मोस्टली सारी चीज़ अब देखने मिल जाती है। ब्लॉक नोटिफिकेशन जो मैं अभी कर चुका हूँ, जो कि अब नॉर्मली अब ऐसे सेटिंग्स में भी आ जाता है। DND मत करना मम्मी हमारेगी आपको भाई, और फ़ोन फालतू में बिल्कुल कट ना कर रहे भाई, ऐसे आप अपना CPU मतलब वो सब परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हो। अब मैं आपको गेम में लेके जाता हूँ, और गेम में आपको और भी चीज़ें बताता हूँ, तो चलिए उस गेम में। सो गाइस, हम आ चुके हैं गेम में, तो फिर भाई मेरा गूगल 90% लोगों को पता ही है। मैं भी आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप न्यू फ़ोन खरीद रहे हो उसमें हेडफोन जैक नहीं है, मत खरीदो वो फ़ोन को, आपकी गेम के लिए कुछ नहीं है। मैं अभी इसको एक दिन पहले ही बना रहा हूँ, सब डिटेल्स मैंने संडे क्या बोल रहा हूँ, एक दिन पहले इकट्ठा करके रख दी थी, पर मैं अभी आपको सब बताने वाला हूँ। आप है ना फ़ोन को इंक्रीज़ करने के लिए हेडफोन्स और ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़, अगर आपको मेरी हाथ में पसीना बहुत आता है, मेरी जैसे मेरे को भी आता है, मोस्टली थम्स में आता है, तो आप स्लीव्स यूज़ ना करो, मैं हो सके तो पाउडर भी आप यूज़ मत करो, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एक नैपकिन या आप कुछ भी रहता है ना कपड़ा, वो रखो, और थोड़ी थोड़ी देर में
मुंह पे पानी डाल दो और फ़ोन ना हो सके तो ठंडे में रखो, मतलब फ़ोन का कवर है बहुत सारे लोग 99% लोग कवर्स के साथ खेलते हैं, तो कवर किधर साइड में रख दो अच्छे से, पता है ना कि मम्मी कैसे मारेगी, तो फिर मैं बता रहा हूँ मतलब कवर साइड में रख दो। हेडफोन जैक होना चाहिए, तो आपको स्पीकर के तो आपके हिसाब से भी आप स्पीकर लगा के मतलब नॉर्मल साउंड में खेलते हो कि नहीं वो आपकी मर्जी है। फिर अगर मैं आपको गेम सेटिंग में बता दूँ तो फिर भाई आपको लैंग्वेज की तो आपको आपके हिसाब से ही रखना है भाई, सेंसिटिविटी आपके हिसाब से, सब कुछ आपके हिसाब से रहना चाहिए। डिस्प्ले पे आ जाते हैं, मैंने हाई रेजोल्यूशन अगर मैं कम नॉर्मल कर डालूँगा, ये सब नॉर्मल कर डालूँगा तो फिर आपको वीडियो की क्वालिटी कम आएगी, और मैं चाहता हूँ वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल भी कम ना हो भाई, क्या करूँ मैं अभी। और मिनिमम आपके हिसाब से रोटेटिंग हाई FPS नॉर्मल कर डालोगे तो फिर आपकी मर्जी है, मैं तो हाई पे रखता हूँ भाई। टर्न ऑफ एक्सपीरियंसिंग फ्रेम ड्रॉप, मैं फ्रेम ड्रॉप एक्सपीरियंस बहुत कम करता हूँ, और जब भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ स्क्रीन हाई होता है तब मैं ज़्यादा ये हो जाता है, उसके लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। गेम विल रन स्मूदर, बैटरी यूजेज विल इंक्रीज, सजेशन आफ्टर रनिंग ऑन हाई परफॉर्मेंस, हाई FPS परफॉर्मेंस हाई हो जाता है। ये तो भाई आपकी बैटरी, अगर बैटरी को चार्ज करने की एक चीज़ बता देता हूँ, मैं अभी आपको देख सकते जैसे कि एयरप्लेन मोड से हटा दिया है मैंने, एयरप्लेन मोड पे रखोगे तो अच्छा ही है, एयरप्लेन मोड में आपकी बैटरी फास्ट चार्ज होगी। कवर मोस्टली हो सके तो अवॉइड करो, कवर एक बहुत ही मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है वैसा है, और अगर आपकी आपके खुद का फ़ोन है और अगर आपको ज़्यादा कॉल्स नहीं आती तो एयरप्लेन मोड पर रख के आप वाईफाई अगर है आपके पास तो फिर आप उससे कनेक्ट करके खेलो, पर मैं उसको अवॉइड करता हूँ क्योंकि वाईफाई हमारे यहाँ पर चलता नहीं, क्या करें भाई। डार्क मोड में आपकी मर्जी है, मगर आपकी आँखें में इतना स्ट्रेस नहीं जाएगा, पर मेरे को पसंद नहीं। फिर ड्यू नॉट डिस्टर्ब भाई आपकी मर्जी भाई, सब कुछ आपके रिस्क पे है भाई वो सब चीज़ें। कवर निकाल के यूज़ करो, फ़ोन जल्दी चार्ज करेंगे, एक टोटका बता देता हूँ भाई, कवर निकालो फ़ोन को चार्जिंग में डालो, और है ना हो सके तो 5-10 मिनट फ़ोन को साइड पर रख दो, अगर आप समझो आधा एक घंटा एक गेम खेल, दो तीन गेम्स खेल ली, और दो तीन गेम खेलने के बाद आप ऐसे कर सकते हो, कवर निकाल दो और साइड में कवर के बिना फ़ोन को साइड में रखो, और आप ऐसे भी कर सकते हो कवर पे थोड़ा बहुत ठंडी चीज़ें डालना, मतलब कवर पूरा फोल्ड हो जाना चाहिए, मैं जब कैसे कि गेम सॉरी भाई गला बैठ जाता है थोड़ा थोड़ा, मतलब आप कवर को कवर पे मतलब ऐसे साइड में रखोगे तो इतना ठंडा ही हो जाएगा, ठंडा होने के बाद आपको वो लगा दोगे तो फिर कवर को उल्टा, मतलब मैं बोल रहा हूँ कवर भी कवर मतलब वैसे लगाने के लिए, मतलब आपको पूरा गेम मत लगा के रखना, खाली लॉबी या दो मिनट ज़्यादा लगाओ उसके बाद मत लगा, क्योंकि कवर जो कवर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, कवर के साथ फ़ोन और गर्म होता है, और जैसे आप आधे एक घंटे गेम खेल लो तो फिर आपको है ना फ़ोन साइड में रख दो, पाँच मिनट आपका फोन ठंडा हो जाएगा, परफॉर्मेंस हाई मिलेगी। इसी तरह से मैं आज का वीडियो कम्प्लीट करता हूँ, तो फिर बाय बाय, टाटा गुड बाय, बाय बाय।